नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पांच ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो मकर राशि पर 100% सत्य साबित होने वाली है। यह भविष्यवाणी जून से लेकर दिसंबर के बीच में की जा रही है। जिस ग्रह से संबंधित भविष्यवाणी बताएंगे, उस ग्रह से संबंधित उस समय पर यदि कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर वन की जो भविष्यवाणी है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 सितंबर तक। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि से सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा का दोष नहीं लगता है। जब भी यहां पर सूर्य और चंद्रमा स्वयं की राशि में गोचर करते हैं या उच्च राशि में गोचर करते हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सूर्य स्वयं की राशि में सिंह की राशि में ये गोचर करने वाले हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। अष्टम भाव जो होता है ये गूढ़ ज्ञान का होता है, गुप्त धन का होता है, ससुराल पक्ष का होता है। इन सभी क्षेत्रों से लाभ देखने को मिलेगा। अब गुप्त धन का होता है तो गुप्त धन आपको मिल सकता है, संभावनाएं हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमीशन, इन सभी क्षेत्रों से बड़ा धन लाभ हो सकता है, संभावनाएं हैं। वहीं सूर्य की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर शनि पहले से ही विराजमान है और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है तो कुटुंब वाणी पर विशेष रूप से ध्यान देना है। वाणी पर भी ध्यान रखना है और कुटुंब परिवार पर भी विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी, नहीं तो शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो मंगल से संबंधित है। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और मंगल स्वयं के घर में गोचर करेंगे, स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे आपको? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि चौथे भाव के मालिक है, भूमि के मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक है, मकान के मालिक है, वाहन के मालिक है। तो मकान का निर्माण का काम भी चालू कर सकते हो और वाहन भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। ध्यान रखना है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है ये समय आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। लाभ भाव में विराजमान है, स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। इनकी चौथी दृष्टि धन भाव में होने से धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, अच्छी शिक्षा रहेगी, संतान का योग बनेगा, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने का भी काम करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का भी काम मंगल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे और रोगों को भी दूर करने का काम करेंगे। तो ये समय आपको ध्यान रखना है। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है मंगल का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी के बारे में यदि हम बात करें जो कि बुध से संबंधित है और बुध जो है 24 जून से 8 जुलाई तक मिथुन राशि में छठे भाव में बुध गोचर करने वाले हैं। ये समय आपको ध्यान रखना है। 24 जुलाई से 8 जुलाई तक का जो समय है ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये भाग्य के मालिक हैं और छठे भाव में स्वयं की राशि में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यदि व्यापार का काम चालू करना चाहते हैं तो भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम बुध करने वाले हैं। वही छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ देने का काम करेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और विदेश यात्राओं के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। तो व्यापारिक स्थिति से भी बुध अच्छे हैं
और यदि देखा जाए तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी बुध जो है लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो ये स्थिति आपकी बन रही है, ध्यान रखना है 24 जून से 8 जुलाई तक का जो समय है। बुध से संबंधित यदि कोई भी काम करते हो, चाहे वो सीए हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, या फिर अकाउंट के क्षेत्र हो, या फिर क्लर्क का काम हो, पत्रकारिता का काम हो, लॉयर का काम हो, ये सभी क्षेत्रों में बुध लाभ देने का काम करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें चौथी भविष्यवाणी के बारे में जो शुक्र से संबंधित है, शुक्र जो है 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक तुला राशि में आपके कैरियर के भाव में गोचर करने वाले हैं। ये समझ जाइए कि पूरा दिसंबर का महीना आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है कैरियर से संबंधित। कैरियर में यदि कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो, नई नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यदि आपको नौकरी नहीं है तो उस समय यदि आप ट्राई करेंगे तो नौकरी जरूर आपको लगेगी। व्यापार का काम चालू करना चाहते हो, बिल्कुल बढ़िया समय है, आप कर सकते हो। और यदि आप कोई बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हो और या स्वयं का कोई काम करना चाहते हो, कला से जुड़ा हुआ, फैशन से जुड़ा हुआ, डिजाइनर से जुड़ा हुआ, तो भी आपको सफलता दिलाने का काम शुक्र करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र जो है मालव्य राजयोग बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, दो दो राजयोग बना रहे हैं, इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे। वही शुक्र जो है चौथे भाव को देखेंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान में लाभ देने का भी काम करेंगे, योग बनाने का काम करेंगे। तो शुक्र का जो समय है ये दिसंबर का पूरा महीना पकड़िए, ये बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है। अन्य ग्रह की यदि हम बात करें पांचवी भविष्यवाणी के बारे में, जो कि शनि से संबंधित है, गुरु से संबंधित है, राहु से संबंधित है और केतु से संबंधित है। शनि धन भाव में बैठे हैं, धन देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और वही राहु की यदि बात करें तो राहु जो है 30 अक्टूबर से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भाग में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक बड़े लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु भी जो है आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं, तो ये भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी व्यापार में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे। वही केतु की यदि बात करें तो केतु दशम भाव में 30 अक्टूबर तक रहेंगे, कैरियर का आपको सपोर्ट दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद जो है ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर की यदि हम बात करें तो प्रायः सभी ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और ये पांच जो भविष्यवाणी है इन ग्रहों से संबंधित यदि आप उस समय पर कुछ भी काम करते हो तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479